कितना सच होते हैं एग्जिट पोल्स के नतीजे, कब कब गलत साबित हुआ एग्जिट पोल्स का अनुमान, एग्जिट पोल के दावों की बड़ी पड़ताल, पिछले 5 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स का सटीक विश्लेषण। चुनाव खत्म होते ही अलग अलग चैनल्स और एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का डमरू बजाना शुरू कर दिया। ये चैनल्स और एजेंसियां बन गई मदारी और एग्जिट पोल बन गए बंदर। अब ये मदारी और बंदर जनता को करतब दिखा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कई एग्जिट पोल में तो यूपी में बीजेपी को एसपी और बीएसपी से भी ज्यादा सीटें दी गई हैं। अब भला जिसका दिमाग खुला होगा वो इन पोल वोल पर विश्वास नहीं करेगा। वैसे ये ओपिनियन पोल एग्जिट पोल विश्वास करने लायक भी नहीं है। आइए आपको पिछले 5 लोकसभा चुनावों में सामने आए एग्जिट पोल्स के अनुमानित नतीजे दिखाते हैं। हम ये भी बताएंगे कि फाइनल रिजल्ट इन हवा हवाई नतीजों से कितना अलग था। साल 1998, आउटलुक और एसी नीलसन ने बीजेपी गठबंधन को 238 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को कुल 149 सीटें दी। अन्य के खाते में आउटलुक और नीलसन ने कुल 156 सीटें डाली। डीआरएस ने बीजेपी गठबंधन को 249 सीटें दी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 155 सीटों का अनुमान लगाया। वहीं डीआरएस ने अन्य को कुल 139 सीटें दी। फ्रंटलाइन और सीएमएस ने बीजेपी गठबंधन को कुल 235 सीटें मिलने का अनुमान जताया। वहीं कांग्रेस गठबंधन को कुल 155 सीटें दी गई। अन्य के खाते में 139 सीटें दी गई। इंडिया टुडे सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक भी बीजेपी गठबंधन को 214 सीटें दी गई। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को कुल 164 सीटें दी गई, जबकि अन्य के पास 165 सीटें थी। लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट जब आया तो बीजेपी गठबंधन को कुल 252 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 166 और अन्य के खाते में 149 सीटें गई। यानी साल 1998 में तमाम एग्जिट पोल का अनुमान गलत साबित हुआ। साल 1999, इंडिया टुडे इनसाइट सर्वे ने बीजेपी गठबंधन को कुल 336 सीटें दी, वहीं कांग्रेस को 146 सीटों पर समेट दिया। इंडिया टुडे इनसाइट ने अन्य को 80 सीटें दी। एचटी नीलसन सर्वे ने बीजेपी गठबंधन को 300 सीटें दी, जबकि कांग्रेस के अगुवाई वाले यूपीए को कुल 146 सीटें दी गई। एचटी नीलसन ने अन्य को कुल 95 सीटों पर समेट दिया। वहीं आउटलुक और सीएमएस ने बीजेपी गठबंधन को 329 सीटें दी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार। कांग्रेस गठबंधन को कुल 145 सीटें दी गई और अन्य के खाते में 39 सीटें डाली गई। टाइम्स पोल और डीआरएस ने बीजेपी गठबंधन को कुल 332 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वहीं कांग्रेस को कुल 138 सीटें। टाइम्स पोल और डीआरएस ने अन्य को कितनी सीटें दी ये डिटेल्स हमें नहीं मिल पाई, लेकिन जब परिणाम आया तो एनडीए को 296 और यूपीए को 134 सीटें मिली। अन्य के खाते में कुल 113 सीटें गई। यानी साल 1999 में भी ज्यादातर एजेंसियों का अनुमानित सर्वे बेकार साबित हुआ। साल 2004, आउटलुक और एमआरडीए ने बीजेपी गठबंधन को 290 सीटों का अनुमान जताया, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 169 सीटों पर समेट दिया। आउटलुक एमडीआरए ने अदर्स को 99 सीटें दी। आज तक ओआरजी मार्ग सर्वे ने बीजेपी गठबंधन को 248 सीटें मिलने का अनुमान जताया, कांग्रेस गठबंधन को 190 सीटें और अन्य के खाते में 105 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2004 में बीजेपी गठबंधन को 250 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वहीं कांग्रेस को 205 सीटें और अन्य को 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। स्टार सी वोटर ने बीजेपी गठबंधन को कुल 272 सीटें दी, कांग्रेस गठबंधन को 186 और अन्य को 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। लेकिन आधिकारिक नतीजे जब आए तो बीजेपी गठबंधन को कुल 189 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 222 सीटें मिली और अन्य के खाते में 132 सीटें गई। साल 2009, स्टार न्यूज एसी नीलसन ने बीजेपी गठबंधन को 197 सीटें मिलने का अनुमान जताया, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 199 सीटें और अदर्स को 136 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। टाइम्स नाउ ने साल 2009 में बीजेपी गठबंधन को 183 सीटें मिलने का अनुमान जताया, वहीं कांग्रेस को 198 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई। टाइम्स नाउ ने अन्य को 162 सीटें दी। एनडीटीवी ने बीजेपी गठबंधन को 177 और कांग्रेस को 216 सीटें मिलने का अनुमान जताया, जबकि अन्य को 150 सीटें दी गई। वहीं हेडलाइंस टुडे ने साल 2009 में बीजेपी गठबंधन को 180 सीटें मिलने का अनुमान जताया, कांग्रेस को कुल 199 और अन्य को 172 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई। लेकिन आधिकारिक नतीजे इन तमाम एग्जिट पोल्स के खिलाफ थे। बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 159 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के हिस्से 262 सीटें आई। वहीं अन्य को सिर्फ 79 सीटें मिली। साल 2014,
एबीपी नीलसन ने बीजेपी गठबंधन को कुल 281 सीटें मिलने का अनुमान जताया। एबीपी नीलसन ने कांग्रेस को कुल 97 सीटें दी थी, जबकि अन्य को 165 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। टाइम्स नाउ ORG के सर्वे के मुताबिक साल 2014 में बीजेपी गठबंधन को कुल 249 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि कांग्रेस गठबंधन को कुल 148 सीटें दी गई थी। अन्य के खाते में 146 सीटें थी। CNN, IBN, CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को कुल 280 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। कांग्रेस को 97 और अन्य को कुल 166 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। हेडलाइंस टुडे सिस्ट्रो ने बीजेपी के खाते में कुल 272 सीटें डाली थी, जबकि कांग्रेस को 115 सीटों के लायक माना गया था। अन्य के खाते में कुल 156 सीटें दी गई थी। साल 2014 में चाणक्य ने NDO को 340 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, जबकि कांग्रेस को 70 सीटों पर समेट दिया था। अन्य के खाते में कुल 133 सीटें चाणक्य ने दी थी। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक साल 2014 में बीजेपी गठबंधन को कुल 289 सीटें मिलने का अनुमान था। वहीं कांग्रेस को 101 सीटें और अन्य को 153 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। NDTV ने अपनी ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन को कुल 279 सीटें दी थी। NDTV ने अनुमान जताया था कि कांग्रेस के इससे कुल 103 सीटें आएंगी, जबकि अन्य को 166 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। लेकिन आधिकारिक नतीजे यहां भी उलट आए। साल 2014 में बीजेपी गठबंधन यानी NDO को कुल 336 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले UPA को सिर्फ 60 सीटें मिली थी। साल 2014 में अन्य को 147 सीटें मिली थी। यानी पिछले 5 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का अध्ययन करें तो ये साबित होता है कि इनके नतीजे हवा हवाई हैं। ज्यादातर ओपिनियन पोल के नतीजे गलत साबित हुए और इनका अनुमान फिसड्डी रहा, इसलिए इस बार के एग्जिट पोल्स पर भी भरोसा ना किया जाए। 2 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं और तभी साफ हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।